इधर से बैठ के खा, बैठ के खा, खट्टा है तो सुपर सर और बड़ा है, बहुत समझ से फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल और हर हर महादेव। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं भगवान के नाम के साथ। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। सो, आज है संडे, रविवार और बच्चे सबको छुट्टी है। बच्चों के पापा भी आज घर में हैं, जो कि कल नहीं थे, रात को बहुत लेट आए, वो मतलब अर्ली मॉर्निंग के आए समझ लो। तो इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने दुल्हन का लुक क्रिएट किया था, मतलब कल ही के ब्लॉग में। डिनर वगैरह अभी तक होगा थोड़ा बहुत। सो, आपको कैसा लगा? पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक वो ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, उसके पहले ही ये ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो अब किचन का अगर मैं आपको स्टेटस बताऊँ तो किचन क्लीन है। ये थोड़ा गंदा है क्योंकि मैंने अभी ब्रेड सेका था, इसलिए इसको धोऊंगी अभी। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं खाना, कढ़ी बनाऊँगी आज। कढ़ी के साथ कुछ एक और सब्जी बना लूँगी, देखती हूँ कौन सा बनाऊँगी। नॉनवेज अभी नहीं बना रहे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो नॉनवेज खाना बंद किए हुए हम लोग। वैसे मेरे घर में खाते हैं लोग नॉनवेज, मैं नहीं खाती हूँ। मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और आज पतिदेव भी घर में है, गए हैं लाइट लाने के लिए। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये देखो, ये टूट गया है, ये है ना, ये ख़राब हो गई बत्ती। तो मैंने उनको बोले कि आप लेकर आओ और उसको लगा दो, क्योंकि ना यहीं पर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और बहुत अंधेरा आता है। तो गए हैं लाने के लिए, गुनगुन को डांस क्लास छोड़ने गए, तो वहीं से बोले कि लेकर आएंगे। तो डांस क्लास छोड़ते हुए लेकर आ जाएंगे एक बार, फिर लगा देंगे। आज कहीं बाहर जाने का भी प्लान चल रहा है हमारा, देखते कहाँ चलते हैं। मैंने तो कहा कि वाटरफॉल में ले चलो, देखते अब कहाँ जाएंगे वो। तो बस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ब्लॉग में बहुत सारा प्यार देना, बने रहना। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट भी करते जाना, है ना। मीठा है, देखिए ये आम लेकर आए हैं सुबह सुबह, सारे बहुत सारे फल। कुट्टा भी लेकर अभी चाट भी पकाइएगा। हाँ, ये वाला खाते देखो, लेकिन और क्या खाते हैं? इधर से बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, खट्टा है उसको पसंद नहीं है ना। आग नहीं पसंद है, बता भूख लगा। बच्चन तो मुंह क्यों बना रहा है? टॉर्च रखो, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, उधर बैठो, इस पे बैठ जाएगा क्या? उधर बैठो, अरे उधर बैठ के खाओ। हाँ बैठो, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा तो क्या करेगा? अरे का ये छिलना है, सीधा छिलना है। इतना सारा मैंगो खाया, इतना सारा फल खाया, पेट भर गया। सुबह सुबह अभी देखो 10:30 11 ही बज रहे हैं, अब पकाने जा रहे हैं भुट्टा। भुट्टा पकाएंगे, अभी मेरी सास रहती ना तो मम्मी रहते तो नहीं आग पे पका देते थे, मेरी सास दादी रहती तो आग पे पका देती थी इसको। तो आज हमको हमारी सासू माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो रहते तो आज हमको आग पे पका के देते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम इसको गैस पे पका रहे हैं। संडे है तो हम निकल गए बाहर घूमने के लिए, सब बैठ गए हैं। हाँ, अब मुझे ड्राइव करने के लिए कहा गया है। अब मैंने ना दो दो बैग लिए हैं, वाइट और ये। इसका सामान वाइट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कर दो बेटा, इसका सामान इसमें ट्रांसफ़र कर दो, ताकि वाइट का वाइट मैचिंग हो जाएगा ना। अब हम लोग निकल रहे हैं और जोर से बोलो जय माता दी, हर हर गणपति बप्पा। तो मुझे जाना था वाटरफॉल में, क्योंकि बहुत मन था। इस मानसून में वाटरफॉल नहीं देखा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बच्चे बीमार हो जाएंगे, वाटरफॉल नहीं जाना है। तो इन्होंने कहा कि हम मॉल चलेंगे, तो फिर हम लोग ना चिंचवड़ वाले मॉल में चले गए, जो कि हमारे घर से सबसे पास में वही मॉल पड़ता है। ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। दोनों लगते हैं पागल हो गए। सो
सो जैसे हम मॉल में पहुंचे ना, मैंने देखा कि ग्लासेस का बहुत मतलब बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ था और बहुत ही अच्छे अच्छे ग्लासेस इसमें थे। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो ख़रीदना है। तो फिर ये पसंद करने लगे मेरे लिए मेरे हस्बैंड कि मेरे फेस पे कौन सा ग्लासेस अच्छा लगेगा, क्योंकि फेस के हिसाब से लिया तो सही लगता है ना। तो फिर उन्होंने सब पसंद करने लग गए। बच्चे लोग भी बोले ये खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए। मॉल में जाओ ना तो कुछ ना कुछ मतलब बिना वजह के भी चीज़ें ना हम लोग खरीद ही लेते हैं, जो हमको नीड नहीं होती ना वो भी खरीद लेते हैं यार। जब भी मॉल में जाओ तो एक्स्ट्रा खर्चा ही हो जाता है। तो खरीदे इन्होंने मेरे लिए 2 ग्लासेस खरीदे, उसके बाद बच्चे लोगों के लिए कुछ खिलौने खरीदे इन्होंने, वो जो आप वीडियो में देख रहे हो उसी में से खरीदे। मेरा ना चश्मे का चॉइस ही नहीं ख़त्म हो रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, लेकिन ले लिए मैंने फाइनली 2 ग्लासेस लिए थे। अगर मैं सच बताऊँ ना तो मुझे पर्सनली मॉल वगैरह में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद आता है। हम लोगों को ना ग्रीनरी ज़्यादा पसंद आती है दोनों मियाँ बीवी को, मतलब हम लोग ऐसे हरी भरी जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर नेचर हो, खाई हो, पहाड़ हो, वाटरफॉल हो। लेकिन अब क्या मानसून है तो अभी बच्चों का भी देखना पड़ता है, बच्चों को मॉल वगैरह में ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए मुनमुन को कितना इन्जॉय कर रही है। हाँ ये देखो ये जो खिलौना आपको दिख रहा है ना हाथ में, ये बोल रहे थे ले, लेकिन ये मॉल में ख़रीदा और मॉल में तोड़ भी दिया इसको, इन तीनों ने मिलकर वहीं ख़रीदा, तीनों ने लड़ाई किया और इसको तोड़ भी दिए तीनों मिलकर। तो बस जहाँ से ख़रीदा था वहीं छोड़कर हम आ गए सामान को। उसके बाद हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो कि मेरा फेवरेट था। यहाँ पे हमने अगेन फिर से फ्रिज देखे, ऑफ़र वगैरह पूछे, क्योंकि छोटे चीज़ तो है नहीं, थोड़ा 4 दुकान घूमेंगे तभी पता चलेगा। उस दिन 1 दुकान घूमे थे, आज हमने इस मॉल में भी, क्योंकि 2 रुपये का सामान तो है नहीं, 4 दुकान घूमेंगे तभी पता चलेगा कहाँ पर क्या रेट चल रहा है। और यहाँ पर मुनमुन अपने पापा को बता रही है कि गेम जोन में तो आ गए पापा, वो एक ये लोग कार्ड देते हैं ना गेम जोन वाले, उसमें आप ना पैसे भरवा दो, कितने का रिचार्ज करवाना है वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ से परचेस कर लिया था इसी मॉल से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा ऑफर में मिल गया था, जिसकी मुझे बहुत नीड भी थी। सो घर आ गए हम लोग, खाना वाना खाली होटल से ही खाना खा कर आए थे। बच्चे लोग बोले पापा हमको होटल से ही खाना खा के जाना है। तो देखो मैंने चाय चढ़ाया, अभी चाय बना रही हूँ। और गए थे हम लोग मॉल ना, वहाँ से मैंने 2 ग्लासेस खरीदे, एक वाइट कलर के और एक और कलर के है। रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 2-3 सामान खरीदा है मैंने। एक सेकेंड मेरी चाय भी जल जाएगी, पहले दिखाती हूँ। एक तो वाइट कलर का खुल गया है, दे रहा है खुल गया बे। एक तो वाइट कलर का जो आपने देखा ये खरीदा मैंने, और एक और खरीदा मैंने कहाँ गया, हाँ एक ही एक और ख़रीदा मैंने। दोनों भी मेरे हस्बैंड की पसंद के हैं, ये ख़रीदा, दोनों ग्लासेस हस्बैंड के पसंद के ही ख़रीदे हैं। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी वाला सामान जो मैंने ख़रीदा। पानी नहीं है चाय बन गई मेरी, जलने वाली थी तो गैस बंद कर दिया। तो मैंने ज़रूरी वाला सामान लिया है, ये लिया है, ये है मेरा, एक सेकेंड, अरे हाथ में आ जाए, हाँ ये लिया है मैंने, ये है चॉपर, जो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नीड थी, जो ऑनियन वगैरह काटने के लिए मुझे रोना पड़ता था, मेरी आँख से आंसू आते थे। तो ये मैंने ख़रीदा आज मॉल से, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे कि आप सबको पता है मुझे प्याज काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और ये 2-in-1 है, मतलब इसमें ब्लेंडर भी है और चॉपर भी है। तो अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी क्योंकि 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, सुबह स्कूल है, सोने जा रही हूँ। इसकी पूजा भी अभी नहीं करूँगी, इसकी पूजा भी सुबह अब नहा कर ही करूँगी मैं, जब भगवान जी की पूजा करूँगी ना उसी समय इसकी भी पूजा कर दूँगी। ऐसे भी कल मंडे है ना, सावन का पहला मंडे, तो अच्छा दिन रहेगा कल, तो कल इसकी पूजा करूँगी। अभी इसको ऐसे ही रख देते, इसको खोलूँगी भी नहीं अभी। और अभी मैं आप सबसे क्या बोलते हैं रुख्सत ले रही हूँ, जा रही हूँ, मिलेंगे कल। कल सावन का पहला सोमवार है, देखते कल का दिन कैसा जाता है। तो तब तक सभी लोग अच्छे से प्रेम से अच्छे से बोल दीजिए हर हर महादेव, मिलेंगे कल।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर ना करना हो तो मत करना, कम से कम लाइक और कमेंट तो जरूर कर देना ताकि मुझे थोड़ी सी खुशी मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ, है ना। आप मिलते हैं कल, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।